हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल से। कल वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और उस मौके पर एक ऐसा टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो बच्चों में बहुत कॉमन है और जो लीस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है, दैट इज़ ऑटिज़्म। सुना है पहले आपने ऑटिज़्म जी। आज आप जो जानकारी यहाँ इस लेक्चर से हासिल करेंगे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल USA, और डिफरेंट रिसर्च जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑटिज़्म के बारे में अब तक हुई हैं उससे ये सारा मैटर लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये केवल एक टीचर के लिए नहीं है बल्कि एक टू बी मदर के लिए, लेडीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑटिज़्म। बेसिकली ऑटिज़्म का असली नाम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है, और जहाँ पर भी वर्ड स्पेक्ट्रल आ जाता है दैट मीन्स स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लॉन्ग वेराइटी ऑफ थिंग्स। जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, विवर होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वैसे ही ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर इज ए लॉन्ग रेंज ऑफ सिम्टम्स दैट कैन डिफर फ्रॉम वन चाइल्ड और वन पेशेंट टू अनदर। और ये एक न्यूरोनल डिसऑर्डर है क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 बिलियन, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। और जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है डिलीवरी के बाद, जब वो इन्फेंट से, बेबी से ग्रो करता है, चाइल्ड बनता है, तो 5 या 6 साल उसका ब्रेन डेवलप होता है। और ब्रेन डेवलप क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है ब्रेन के डेवलपमेंट की, ब्रेन की ग्रोथ की? क्योंकि स्कल साइज़ छोटा होता है, सिर का साइज़ छोटा होता है, तो सिर जैसे जैसे बड़ा होगा, स्कल की बोन जैसे बड़ी होंगी, तो ब्रेन के को फैलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उसके ग्रोथ की, और न्यूरोनल अरेंजमेंट्स को ठीक तरीके से, ताकि उसके अंदर लॉब्स बन सके, पैराइटल लॉब, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब बन सके, उसके लिए ब्रेन ग्रोथ की ज़रूरत होती है। और क्यों जानना ज़रूरी है ऑटिज़्म के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। 1% ऑफ टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज ऑटिस्टिक। और मेल टू फीमेल रेशो की अगर हम बात करें तो मेल्स इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, 3:1 की रेशो होती है, 3 मेल्स में अगर ऑटिज़म है तो 1 फीमेल में ऑटिज़म है। और 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 11 रीजन्स में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, उसमें 4.3 रेशो आई थी, 4.3 मेल्स वर अफेक्टेड बाय ऑटिज़म पर 1 फीमेल और 1 गर्ल। तो ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि ऑटिज़म होता क्या है। अब क्या कारण है जिससे कि ऑटिज़म एक बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है? नंबर 1, फैमिली जीनोम। अगर किसी बच्चे के भाई, बहन, फादर या मदर को कभी अपनी लाइफ टाइम में ऑटिज़म रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि होने वाले बच्चे में या छोटे बच्चे में ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। मैटरनल इम्यून सिस्टम। अगर डिलीवरी के समय या प्रेगनेंसी के समय माँ को एक ऐसी बीमारी है, इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें किसी बीमारी के लिए प्रोटीन्स, डेंजरस प्रोटीन्स बन गए हैं, तो पैदा होने वाले बच्चे में ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर करते हैं अपने आप को ड्यूरिंग दी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड, तो ऐसे में न्यूरोनल डिरेंजमेंट अगर इस पीरियड में हो जाता है तो चाइल्ड कैन बी ऑटिस्टिक। एडवांस्ड पेरेंटल एज। आजकल शादियां काफ़ी लेट होने लगी हैं, पहले 24-25 साल तक शादियां हो जाती थी, लेकिन आजकल 34-35 साल तक भी मैरिज नहीं होती हैं। तो ऐसे में जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं, बायोलॉजी में नहीं पढ़ा आपने? साइंस में जब सेल डिवाइड करता है तो माइटोसिस होती है, क्रोमोसोम्स एक है ना, क्रोमोसोम्स स्पिंडल शेप में अरेंज होते हैं, तो क्रोमोसोमल मूवमेंट विद एज धीरे होती होने लगती है, इनएक्टिव होने लगती है, पैसिव होने लगती है। इसीलिए आप देखिए कि जितनी भी सिंड्रोम्स होंगे, डाउन सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, XXY सिंड्रोम, X0 सिंड्रोम, ये सभी उन पेरेंट्स के बच्चों को ज़्यादा मिलती हैं जो एडवांस्ड एज में शादी करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस स्लो हो जाती है। तो ऐसी एडवांस्ड पेरेंटल एज में भी बच्चे को ऑटिज़म डेवलप हो सकता है या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। एक्सट्रीम प्री मैच्योर बर्थ। अब जेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है? 9 मंथ्स, 40 वीक्स,
लेकिन आपने सुना होगा कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। तो ऐसे में अगर बहुत ही ज़्यादा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है 7.5 मंथ्स में, तो जो बच्चा हुआ है उसको ऑटिज़म डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाती है। एक्सट्रीम प्री मैच्योर बर्थ आपने सुन लिया, वेरी लो बर्थ वेट, जब भी बच्चा पैदा होता है हम बच्चे का वेट करते हैं कि ये नॉर्मल वेट इसका इतना है। अगर एक्सट्रीम लो उसका वेट है बच्चे का ड्यूरिंग द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे डेवलपिंग बेबी में ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, जब पहली दफ़ा पैदा हुए बच्चे सांस लेते हैं तो वही सांस उसके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। आपने सुना होगा कई बार बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं डिलीवरी के समय पे, ठीक से वो टाइमली बाहर नहीं आ पाता है बच्चा, तो जिस वजह से ऑक्सीजन उसके ब्रेन में पहुंचने में देर हो जाती है। तो अगर बर्थ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी हुई है तो ऐसे बच्चे में भी, डेवलपिंग बेबी में भी, ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। 3 तरह के सिंड्रोम्स, रेट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में देखा गया है कि 10% बच्चों में ऑटिज़म डेवलप होता है। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके लिए सुनने वाली बात है। मैटरनल डायबिटीज़, शुगर है ना, आजकल शुगर किसी भी एज में हो रही है, बच्चों में भी हो रही है, एडल्ट्स में भी हो रही है, यंग एडल्ट्स में भी हो रही है, ओल्डर एडल्ट्स में भी हो रही है। अगर किसी लेडी को ड्यूरिंग लाइफ टाइम या प्रेगनेंसी डायबिटीज़ है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके होने वाले बच्चे में ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। मैटरनल ओबेसिटी, आजकल ओबीस हैं सभी लोग, या तो ओवरवेट हैं या ओबीस है, और इसको नापने का जो स्केल है उसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। हाइट इज़ टू वेट की रेशो बनाकर उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट बनाते हैं कि व्यक्ति ओवरवेट है, अंडरवेट है, फिट है या ओबीस है। तो अगर एक मदर ओबेसिटी का शिकार है अपनी लाइफ टाइम के दौरान या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशंस, हमारा जो DNA है वो जीन्स से मिलकर बना है, पता ही आपको। तो जीन्स इतनी बारीक, सेल से भी बारीक चीज़ हैं, जो सोचिए आप, सेल के अंदर DNA, न्यूक्लियस के अंदर DNA और DNA में भी जीन। तो ऐसे में अब जब हम एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं या कोई भी हम डाइट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे जीन्स को प्रभावित करते हैं, उनकी केमिकल नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। एक्सरेज करवाने जाते हैं तो एक्सरे भी एक जेनेटिक म्यूटेशन के लिए बहुत ही पोटेंट कारण है, रीज़न है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें अवॉइड करनी चाहिए अननेसेसरी मेडिकेशंस, एक्सरेज, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, खान पान में ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं। इवन एयर पोल्यूशन, अगर मदर, प्रेग्नेंट मदर या बच्चा जो अभी हाल फिलहाल में पैदा हुआ है, एयर पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आता है, जो एयर पोल्यूशन की हमें गैसेस पता ही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे में MET जीन में म्यूटेशन हो जाती है बच्चे के, जिससे कि उसके अंदर ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, हमारी बॉडी में हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, जैसे हम शुगर अगर हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए तो शुगर को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन्स हैं, प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स हैं, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स हैं। अगर ऐसे में किसी जो प्रेग्नेंट मदर है या टू बी मदर वो कंसीव करना चाहती है या डिलीवरी का टाइम है और उसके अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस है, तो होने वाले बच्चे को ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। फीटल एक्सपोजर टू मेडिकेशंस, अब मदर को कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे दौरे पड़ने की बीमारी, एपिलेप्सी, तो ऐसे में मदर अगर सोडियम वेलप्रोएट नाम का ड्रग ले रही है जिसे वेलप्रोइक एसिड भी कहा जाता है, या फिर लेप्रसी, सुना है आपने कुष्ठ रोग, लेप्रसी कुष्ठ रोग नहीं सुना आपने? नेशनल लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है देश में, जिसे कोड बोलते हैं कि इसके हाथ पैर, उसमें उंगलियाँ ख़त्म होने लगती हैं धीरे धीरे। लेप्रसी में एक ड्रग दी जाती है थैलीडोमाइड, तो अगर मदर सोडियम वेलप्रोएट पर है या फिर थैलीडोमाइड ड्रग पर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके होने वाले बच्चे में ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। अगर बच्चे की मदर डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, और वो ऐसे ओपियोइड ड्रग्स में है, ओपियोइड ड्रग्स होते हैं जो अफीम से बनने वाले ड्रग्स होते हैं, नींद नहीं आ रही, जैसे किसी को हम उसको एल्प्राजोलाम दे रहे हैं, ईटियोलाम दे रहे हैं, क्लोनाजीपाम दे रहे हैं, तो ऐसी मदर जो ओपियोइड ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है तो होने वाले बच्चे में उसको ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को बार बार फीवर आ रहा है, ऐसे केसेस में भी बच्चे के ऑटिस्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, जो वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, अगर प्रेग्नेंट मदर या टू बी मदर हैवी मेटल्स का शिकार हो रही है, या बच्चा
जो भी हाल फिलहाल में पैदा हुआ है और उसको जो वाटर हम इनटेक करा रहे हैं वो हैवी मेटल कंटेनिंग है, तो उससे भी उसको ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। सबसे बड़ा सोर्स लेड का कहाँ से होता है? मेटल पाइप्स जो हमारे घर में लगी हुई हैं, काफ़ी सालों तक हम उनको चेंज नहीं कराते, 15-15, 20-20 साल से मेटलिक पाइप्स लगी हुई हैं, तो उनके अंदर लेड जम जाता है और जब पानी उनके अंदर से आता है हमारी टैप्स में तो ड्रिंकिंग वाटर में लेड हो जाता है। और मर्करी का सबसे ज़्यादा सोर्स है, एक तो थर्मोमीटर्स हो गया, या फिर जो CFL लैंप्स होते हैं, अब तो खैर CFL लैंप्स नहीं आते हैं, ये जो लैंप्स होते थे ना, ट्यूब्स होती थी छोटे वाली, उसके अंदर भी मर्करी होता था। तो वो जब हम डिस्पोज करते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई थर्मामीटर टूट गया या CFL लैंप टूट गया, तो हम उसको आम कूड़े में मिक्स करके कहीं पे फेंक देते हैं और वो पानी के साथ कंटेमिनेट होकर सीवेज सिस्टम में एंटर कर जाता है और वही सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे घर में ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर आ जाता है, तो वहाँ से मर्करी हमारे घर में आ सकता है। उसके अलावा बेसफिनॉल ए एंड पॉलीक्लोरीनेट्स जो केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक में पाए जाते हैं, आजकल हम स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसको प्लास्टिक बॉटल्स में पानी भर के भेजते हैं, तो आप देखिए ज़रा कि उस प्लास्टिक की बॉटल पर बिसफिनॉल ए फ्री लिखा हुआ है या नहीं। BPA फ्री, ऐसी बॉटल्स में ही बच्चों को या तो मिल्क फीडिंग करनी चाहिए या ड्रिंकिंग वाटर उसको पिलाने के लिए देना चाहिए। विटामिन की कमी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी से पहले माँ के अंदर, मदर के अंदर विटामिन्स की कमी है, स्पेशली आयरन और फॉलिक एसिड की, तो ऐसे केसेस में भी होने वाले बच्चे को ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। बोर तो नहीं हो रहे जी? अब तो ये वो कारण थे जिनसे कि एक बच्चे में ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। अब बच्चा आ भी गया दुनिया में, लेकिन हम कैसे उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर पता लगाएंगे कि ही और शी इज़ ऑटिस्टिक? तो सुनिए व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइलस्टोन्स कि आपके वो डॉक्टर के पास कब बच्चे को लेकर जाना है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स, अगर बच्चा अपने टॉयज़ को एक लाइन में या ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगा रहा है, मान लीजिए एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप उसके खिलौनों के या ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो बच्चा अपसेट हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस देता है, अनयूजुअल रिएक्शंस, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो कोई वर्ड्स या फ्रेज बार बार रिपीट करता है जिसको इकोएलिया बोलते हैं, जिसका उसे खुद भी मतलब नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो टॉयज़ के साथ विदाउट क्रिएटिविटी प्ले कर रहा है, मान लीजिए मैं उसको गाड़ी दे दूँ तो गाड़ी को हर बार ऐसे ही चलाएगा, उसे पता नहीं है कि इसके साथ और भी क्रिएटिविटी की जा सकती है, दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो खिलौने के एक ही पार्ट पे फोकस करता है, मान लीजिए मैं उसको गाड़ी खेलने के लिए दे दूँ, उसका पहिया ही घुमाता रहेगा, उसका ध्यान नहीं है कि ये पूरी कार है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। उनका एक सर्टेन शेड्यूल होगा, जैसे रोज 6 बजे उठना, 8 बजे स्कूल जाना, 12 बजे खाना, अगर उस शेड्यूल में आप थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो उसके अंदर एक अनयूजुअल रिएक्शन होगा, ऐसा बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। गेट्स अपसेट विद माइनर चेंजेस, अगर आप उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी माइनर भी चेंज कर देंगे तो वो अनयूजुअल रिएक्शन देगा। ऑब्सेसिव इंटरेस्ट, अगर आप उसे कोई खिलौना छुपा कर रखना चाहते हैं कि ये टूट जाएगा, महंगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ऑब्सेशन क्रिएट कर लेना, मान लीजिए आज तो आपने उससे छीन लिया, वो छुपा कर रख दिया, लेकिन उसके माइंड में अभी भी उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस टॉय के लिए ऑब्सेशन है और वो ढूंढ कर कहीं से भी अगले दिन उस खिलौने को या ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके साथ खेलने लगे, दैट मीन ऑब्सेसिव इंटरेस्ट उसके अंदर है, तो दैट मीन शी और ही कैन बी ऑटिस्टिक। अनयूजुअल रिएक्शंस द वे थिंग्स साउंड स्मेल टेस्ट और टच, अनयूजुअल रिएक्शंस देना, कोई भी नई चीज़ की आवाज़ सुनकर, स्मेल लेकर, टेस्ट उसका टेस्ट करके, उसके लिए अनयूजुअल रिएक्शंस होगा जो आम बच्चों में नहीं होती। डिलेड लैंग्वेज स्किल्स, ऐसे बच्चे देर से बोलना सीखेंगे, डिलेड मूवमेंट स्किल्स, ऐसे बच्चे देर से नॉर्मल रूटीन की मूवमेंट, जैसे टॉयलेटरी मूवमेंट्स, टॉयलेट जाना बताएंगे नहीं, इस तरह की मूवमेंट्स में डिलेड से होगी। हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव, बहुत शरारती भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, डल भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, किसी बच्चे में कुछ और किसी बच्चे में कुछ। हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव, इनअटेंटिव, कंसंट्रेशन पुअर होगा ऐसे बच्चों में, और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स, कई बच्चों को मिर्गी के दौरे जैसे दौरे भी पड़ सकते हैं ऑटिज्म अगर उनके अंदर है। अनयूजुअल स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, या तो बहुत ज़्यादा सोना या नींद ही ना आना, बहुत ज़्यादा खाना या खाना ही ना खाना, इस तरह की अनयूजुअल स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, ऐसे बच्चों में पेट की बीमारी काफ़ी देखने को मिलती है, एक्स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। अनयूजुअल मूड एंड इमोशनल रिएक्शंस, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस हो जाना, कभी हंसने लगना अचानक से, कभी रोने लगना, ऐसे इमोशंस देखने को मिलेंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड एक्सेसिव वरी, ऐसे बच्चों के अंदर आपको घबराहट देखने को मिल सकती है ज़रा सी एंग्जाइटी होने पर, जैसे
हार्ट बीट फास्ट हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, हाथ पैर कांपने लगना, डरना, फियर होना, पैनिक डिसऑर्डर होना ऐसे बच्चों में देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ फियर और एक्सेसिव फियर, या तो ऐसे बच्चे को डर ही नहीं होगा, आप उसे कितनी भी ऊंचाई पर ले जाएं वो कहेगा मुझे डर नहीं लग रहा है, या फिर किसी बच्चे के अंदर एक्सेसिव फियर हो सकता है कि उसको आप मोटरसाइकिल पर ही बिठा दें तो वो कहे कि मुझे कहाँ ऊंचाई पर आपने बिठा दिया। शोइंग मोर इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट्स देन पीपल, हम लोगों के माइंड को नेचर ने लोगों के अंदर इंटरेस्ट रखने के लिए ज़्यादा बनाया है बजाय कि ऑब्जेक्ट्स के। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा वो ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा पीपल की बजाय। अगर उसके सामने एक टॉय है और एक व्यक्ति है तो व्यक्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं होगा, वो टॉय में या ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होगा। डज नॉट हियर व्हेन स्पोकन डायरेक्टली, अगर आप उससे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज़ या बात सुनेगा नहीं, ऐसा बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। रिपीटेटरी मूवमेंट्स लाइक स्पिनिंग, वो बार बार रिपीटेशन ही मूवमेंट करेगा, जैसे हाथ हिला रहा है ऐसे तो दो चार घंटे बाद फिर वो ऐसे ही हाथ हिला रहा होगा। वो हेड की भी मूवमेंट हो सकती है, आर्म की भी हो सकती है, फिंगर्स की भी हो सकती है, फुट की भी हो सकती है, तो रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स। सेल्फ इंजरी एंड सेल्फ आइसोलेशन, ऐसा बच्चा खुद को चोट पहुंचा लेता है, उसको पता नहीं होता कि मैं खुद को चोट मार रहा हूं, या फिर वो सोसाइटी से खुद को सेल्फ आइसोलेट करके रखता है। डिफिकल्टी इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, आपका नाम क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन मीन्स जैसे मैंने इनसे बात की, इनको समझ में आ गया कि मैंने क्या सवाल पूछा, इन्होंने उसका जवाब दे दिया, इसे प्रैग्मेटिक कन्वर्जेशन भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर डिफिकल्टी इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स लाइक स्पिनिंग, ऐसे बच्चे खुद ही घूमते रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बच्चे या लड़कियाँ या बच्चियाँ घूमती रहती हैं खुद ही ऐसे, और फिर वो चक्कर खा के गिर जाते हैं थोड़ी देर फिर घूमती रहती हैं, तो ऐसे बच्चे के अंदर भी ऑटिज्म हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये करैक्टरिस्टिक्स तो किसी भी बच्चे में हो सकता है, तो ऐसे तो हर बच्चा ऑटिस्टिक हो जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड व्हेन टू सी ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब जाना है। अवॉइड्स और मेक्स नो आई कॉन्टैक्ट, अगर 9 महीने की उम्र तक बच्चा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा है, आपकी आई मूवमेंट्स को समझ ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नेम बाय 9 months ऑफ एज, हम बच्चों के कोई भी नाम रख देते हैं, बेबी, बब्बू, गुड्डू, अगर वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो हमने नाम उसको दिया है, गुड्डू इधर देखो, वो नहीं देख रहा है, 9 महीने तक अगर उसका कोई रिएक्शन नहीं है अपने नाम के प्रति, तो शी और ही कैन बी ऑटिस्टिक। डज नॉट शो फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ एंग्री, सैड, हैप्पी एंड सरप्राइज बाय 9 months, अगर वो खुश नहीं हो रहा है, स्माइल नहीं दे रहा है, एंगर नहीं शो कर रहा है, सरप्राइज नहीं शो कर रहा है, सैडनेस नहीं शो कर रहा है 9 महीने की उम्र तक, दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। डज नॉट प्ले इंटरेक्टिव गेम्स लाइक पैट एक बाय 12 months, अगर वो 1 साल की उम्र तक गुड्डे गुड़ियों के साथ नहीं खेल रहा है, उनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। यूज नो जेस्चर्स बाय 12 months ऑफ एज, अगर 1 साल की एज तक वो कोई जेस्चर नहीं दे रहा है, जेस्चर मीन्स हम बोलते हैं ना बच्चे को कि नमस्ते करो अंकल को, टाटा बाय बाय करो, हैंड शेक करो, तो अगर 1 साल की उम्र तक वो सिंपल जेस्चर्स नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है 1.25 साल की उम्र तक, यानी 15 महीने की उम्र तक एक बच्चा ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे को गोदी में उठा लें, छोटे बच्चे को, 1.25 साल के बच्चे को, तो आपकी जेब में अगर पेन है, मान लीजिए मैं भी उठा लूँ, तो माइक को ऐसे छेड़ने लगेगा कि इसके अंदर इंटरेस्ट शो करेगा। अगर 1.25 साल की एज तक वो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट आपको शो नहीं कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है बाय 18 months ऑफ एज, 1.5 साल की उम्र तक, मान लीजिए वो मेरे पास, मैं 1.5 साल के बच्चे को अपनी गोदी में उठा, तो वो माइक निकाल के और मुझे दिखाएगा कि देखो मुझे ये माइक मिला, अगर अपने इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट को वो आपको शो नहीं कर रहा है बाय 18 months ऑफ एज, दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो ये नोटिस नहीं कर रहा है 2 साल की उम्र तक या 24 महीने की उम्र तक कि आप हर्ट हैं, जैसे छोटा बच्चा बहुत जल्दी पहचान लेता है कि आप नाराज हैं, दुखी हैं, तो आपको मनाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, अगर 2 साल की या 24 महीने की उम्र तक वो आपकी हर्ट की इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, HURT, हर्ट की इमोशंस को, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो 3 साल तक अपनी उम्र के बच्चों में इंटरेस्ट शो नहीं करता है, उनको ज्वाइन नहीं करता है उनके साथ खेलने में, प्ले एक्टिविटीज़ में, मेड बी आउटडोर और इंडोर, 3 साल की उम्र तक, 36 months तक, तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अगर वो 4 साल की उम्र तक या 48 महीने की उम्र तक अपने टीचर को या अपने सुपर हीरो को मिमिक नहीं करता है, उनकी नकल नहीं उतारता है, आपने देखा वो शक्तिमान देखते थे बच्चे पहले तो वो घूमने लग जाते थे, मैं भी शक्तिमान हूँ, या फिर टीचर की एक्टिंग उतारते हैं, जो भी कार्टून वो टीवी पे देख रहे हैं उसकी आवाज़ निकालने लगते हैं, है ना, आजकल वो चल रहे हैं, काफ़ी कार्टून्स चल रहे हैं, तो उनकी बच्चे आवाज़ निकालते हैं, तो डज नॉट मिमिक अ सुपर हीरो और टीचर बाय एज ऑफ 48 months और 4 years, दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। डज नॉट प्ले सिंग डांस एक्ट फॉर यू अप टू 60 months, बोर हो रहे हैं क्या
अगर 60 महीने की एज तक या 5 साल की एज तक बच्चा आपको पोयम नहीं गाकर सुना रहा है, आपके लिए सिंगिंग नहीं कर रहा है, या आपको एंटरटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है अगर कहने पर, तो समझ लीजिएगा कि ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। अब ये तो थे माइलस्टोन्स जो एक बच्चे में देखने को मिल सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। अब डॉक्टर भी तो समझदार होना चाहिए, अब आपने तो पता लगा लिया लेकिन डॉक्टर के पास गया उसको कुछ पता ही नहीं है। तो हाउ टू डायग्नोस, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा? नंबर वन, जैसा मैंने आपको बताया कि इट कैन बी ड्यू टू सिंड्रोम्स ऑल्सो। कई सिंड्रोम्स में जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, रेट सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में 10% केसेस में ऑटिज्म पाया जा सकता है। तो ऐसा टेस्ट करवाया जाएगा उसका डीएनए टेस्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि कहीं बच्चे में कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। बिहेवियरल इवेल्यूएशन, ऐसे बच्चे के बिहेवियर को इवेल्यूएट करके देखा जाता है कि इसके अंदर ऑटिज्म डेवलप तो नहीं हो रहा है। विजुअल ऑडियो मेथड्स, ऐसे बच्चे को कई तरह की वीडियोज या ऑडियोज सुनाकर उसका रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखा जाता है कि अगर वो नॉर्मल है हमारे स्केल पर तो दैट मीन्स ही और शी इज नॉर्मल, अगर वो एबनॉर्मल है हमारे स्केल पर तो दैट मीन्स ही और शी कैन बी ऑटिस्टिक। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्क्रीनिंग, वैसे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसका ट्रीटमेंट पार्ट है लेकिन कई बार इसको डायग्नोस करने के लिए भी बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है ताकि उसके अंदर पाए गए रिजल्ट्स के हिसाब से हम ये डायग्नोस कर सकें कि बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं। डेवलपमेंटल क्वेश्चनेयर्स, क्वेश्चनेयर होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, पेशेंट्स पेरेंट्स या जो भी उसके गार्जियंस हैं या टीचर्स उनके लिए हमारे पास एक डेवलपमेंटल क्वेश्चनेयर होता है। इसका मतलब होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हम उसके पेरेंट्स को या बच्चे से पूछते हैं या बच्चे के बारे में पूछते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। जैसे आई कॉन्टैक्ट करता है क्या जी आपके साथ बच्चा? नहीं, कभी कभी करता है, ज़्यादातर तो नहीं करता। अच्छा, इसको अगर रूटीन में चेंज कर देते हैं तो अपसेट हो जाता है? हाँ जी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट करके हम डेवलपमेंटल क्वेश्चनेयर से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं। ये डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं इसके। अब क्या अवॉइड करना है डाइट में? वैसे तो ये सभी बच्चों पे लागू होता है लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे की डाइट में या मदर को ऐसा अवॉइड करना चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जितने भी हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं जिसमें स्वीट होता है, वैसे लिख तो देते हैं वो शुगर लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें ज़रूर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ही होते हैं जिसको कम मात्रा में यूज़ करने पर हम उन्हें प्रिजर्वेटिव्स बोल देते हैं। तो वो फूड्स तो किसी को भी नहीं खाने चाहिए जिसके अंदर, मैंने अपने डाइट में जब से मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, जब से मैंने ये स्टडी करनी शुरू की, रिसर्च शुरू की है, तो मैंने वो सभी फूड्स बंद कर दिए हैं जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल पैकेज्ड फूड्स बेसिकली। और आजकल हमारी लाइफ में पैकेज फूड्स बहुत ज़्यादा हैं, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। अब खिलाना क्या है? फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, लीन पोल्ट्री, फिश, एग, अनसेचुरेटेड फैट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। कितना वाटर हमें चाहिए होता है पर डे? 8 to 10 ग्लासेस। ग्लास छोटा बड़ा भी हो सकता है। इन लीटर्स में कितना होता है? 1.5 लीटर्स। रीज़न क्या है कि एक्सेस, नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़्यादा पानी भी पी लेंगे उसका भी नुकसान है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ एवरीथिंग इन अवर डाइट। अब हम लोगों में डायबिटीज़ बढ़ रही है ना, उसका एक रीज़न ये है कि हम लोग एक्सेस में शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी RDA वैल्यू, जो रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंस वैल्यू है शुगर की, वो कितनी है पता है किसी को? 25 से 30 ग्राम पर डे। और उससे ज़्यादा शुगर हम डेली कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों? मान लीजिए एक बच्चा कंज्यूम कर लेता है, चॉकलेट दे रहे हैं हम उसको, 100 ग्राम की चॉकलेट में या 50 ग्राम की चॉकलेट में 25 ग्राम शुगर तो वैसे ही है, तो उसकी RDA वैल्यू वहीं से पूरी होगी। अब उसके वो घर आएगा, दूध में भी आप शुगर डाल के पिलाएंगे, फिर आप उसके लिए मैंगो शेक भी बनाएंगे, फिर वो कुछ और भी खाएगा मीठा, उसमें भी शुगर है। तो 50 ग्राम हम पार कर जाते हैं डेली RDA वैल्यू के, जिस वजह से डायबिटीज़ के केसेस या फिर शुगर इंटॉलरेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है ऑटिज़म का? बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर का कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है कि हमने उसको ये टैबलेट दे दी और उसका ऑटिज़म ठीक हो जाए। इसके लिए 6 तरह की थेरेपीज़ होती हैं, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी। इन 6 तरह की थेरेपी से हम उस बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में बताने लगूंगा तो। वैसे तो मेरा ये 2.5 घंटे का लेक्चर होता है लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपके लिए 30 मिनट्स का कर रहा हूँ। तो ये 6 तरह की थेरेपी से हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने
की कोशिश करते हैं, जिसके साथ उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, सोशल बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं, मोमेंट्रियो स्किल्स उसकी है वो ठीक हो जाती है, या जो लैंग्वेज डिले या लर्निंग स्किल्स, कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स उसकी इंप्रूव हो जाती हैं बच्चे की इन क्षेत्र की थेरेपी से, ग्रुप थेरेपी की वजह से हम उसको सोशल स्किल, एंग्जाइटी, कम्युनिकेशन और सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए इंप्रूव कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे सिम्टम्स हों जिन्हें मेडिकली ही या मेडिसिन देकर ही सप्रेस किया जा सकता है, जैसे अगर किसी के अंदर मिर्गी के दौरे हैं, अगर किसी बच्चे में एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, ऐसे बच्चे में भी हमें दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, या उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल, उस बच्चे को भी दवाई देनी पड़ेगी। अब स्कूल को क्या करना है, यहाँ तक तो था रोल सोसाइटी का कि पेरेंट्स या सिबलिंग्स या गार्जियंस या ग्रैंड पेरेंट्स उनके लिए, लेकिन स्कूल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, क्योंकि हमने जाना है कि 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो सकता है, अगर हमारे यहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि 8 या 9 बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं, तो अब उनको हम छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि कम्युनिटी, सोसाइटी, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बच्चे को हमें उसकी हेल्थ जो फैसिलिटी है, हेल्थ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सेपरेट नहीं करना, आइसोलेट नहीं करना, हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो स्कूल को क्या करना है, नंबर वन, क्रिएट एनवायरनमेंट दैट इज़ लेस स्टिमुलेटिंग। आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है कि फीस को जस्टिफाई करने के लिए या पेरेंट्स को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए स्कूल के एनवायरनमेंट को ओवर स्टिमुलेट कर दिया गया है। क्लासरूम में तेज़ आवाज़ में पोएम बजाना, म्यूज़िक बजाना, राइम्स बजाना, कलरिंग इतनी ज़्यादा कर देना दीवारों पे ब्राइट कलर्स की, जिससे कि एक बच्चे का दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेट। जबकि अगर किसी बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो उसकी कंसंट्रेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हमने उसके एनवायरनमेंट को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया है चारों तरफ की, उसकी सराउंडिंग्स को, तो आपकी और उसकी बीच की जो कंसंट्रेशन चाहिए उसको कुछ सिखाने के लिए, तो दैट विल बी डिस्टर्ब। नंबर टू, क्रिएट शेड्यूल इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और उसमें मैं आपके स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैम ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था कि अगर आपने उसको नमस्ते सिखाना है तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सिखाएं। तो जो भी आप उसका शेड्यूल बना रहे हैं किसी बच्चे का, तो पिक्चर के थ्रू या विजुअल मेथड्स के थ्रू बनाएं, क्योंकि हमें हमारा माइंड जो डेवलप हुआ है वो परसीव करके सीखने में ज़्यादा बिलीव करता है। आप देखिए, तभी आप किसी मूवी में किसी सीन को देख लेते हैं तो आप पूरी लाइफ नहीं भूलते हैं उसको, क्योंकि वो आपके माइंड को रियलिटी के तौर पर लगता है। तो किसी बच्चे को ओरली वो चीज़ टीच करने के बजाय विजुअल मेथड से या पिक्टोरियल फॉर्म में ही सिखाना चाहिए। गिव फ्यूअर चॉइसेस। अब एक नॉर्मल बच्चे को आप काफ़ी चॉइसेस दे सकते हैं कि जैसे 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बेटा इसमें से बताओ कौन कौन से 2 कलर्स आप चूज़ करोगे। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चे को, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्किल काफ़ी डल है, तो उसको आप फ्यूअर चॉइसेस दीजिए, बेटा ब्लू और ग्रीन में से कौन सा कलर चूज़ करोगे। तो गिव फ्यूअर चॉइसेस टू ए ऑटिस्टिक चाइल्ड। रिसेप्टिव मोशंस, आप उसे मोशंस के थ्रू समझाएं। जैसे मान लीजिए आपने बोलना है कि इस ब्लैक बॉक्स को इस ग्रीन बॉक्स में रखना है, तो वो जल्दी इस चीज़ को कैच करेगा, बजाय कि काम खत्म होने के बाद इस ब्लैक बॉक्स को इस ग्रीन बॉक्स में रखना है तो उसको समझाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। वॉइस शुड बी लो एंड क्लियर। आपकी जो वॉइस है बच्चों को पढ़ाने की, उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी पिच लो होनी चाहिए और आपके शब्द क्लियर होने चाहिए, क्योंकि चिल्लाने से डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है, सामने वाला बंदा सुनता भी नहीं है और वो एनॉयड भी हो जाता है। तो सेम वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी है। लिमिट फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक ऑटिस्टिक बच्चा बॉडी लैंग्वेज को और टच को नहीं समझ सकता है इतने अच्छे तरीके से जितना कि एक नॉर्मल बच्चा समझता है, तो ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ाते समय उससे टच कम करना है और उसे बॉडी लैंग्वेज से कम समझाना है। ये सभी बच्चों पे पॉइंट लागू है जो बता रहा हूँ मैं। किसी भी बच्चे को पढ़ाते समय कोशिश कीजिए कि वो स्टैंडिंग पोजिशन में हो, सिटिंग में ना। उसका रीज़न क्या है पता है, क्या रीज़न है? व्हेन वी आर इन स्टैंडिंग पोजिशन और वी आर इन वॉकिंग पोजिशन, Our mind is more attentive, our mind is more receptive. आप देखिए, जितने भी lectures, जितने भी discussions या जितने भी product launches किए जाते हैं, वो सब या तो घूमते हुए चलते हुए किए जाते हैं, जितने भी lectures दिए जाते हैं वो खड़े होकर दिए जाते हैं। Reason कि उस time हमारा mind ज़्यादा attentive और ज़्यादा receptive होता है। तो ऐसे बच्चों को या सभी school बच्चों को कोशिश कीजिए कि वो खड़े हों जिस समय वो पढ़ रहे हों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और उसमें एक और चीज़ भी है, वो जब आप उसे कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट या कोरिलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ रटते हुए ऐसे आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करते हैं, क्रैमिंग कर रहे हों, तो उससे उनको जल्दी लर्निंग भी होती है। इस वजह से दे शुड बी अलाउड टू स्टैंड देन सिट। वन टू वन इंटरेक्शन। अगर आपकी क्लास में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो कोशिश कीजिए कि उससे आप वन टू वन इंटरेक्ट करें। ये नहीं कि आपने उसको सबसे आगे बिठा लिया कि भाई चलो अभी आगे बैठ गया तो इसे समझ में आ गया होगा, नो,
वो आगे बैठा हुआ भी उतना ही अनरिसेप्टिव है जितना कि वो पीछे बैठा हुआ, तो इसीलिए ऑटिस्टिक बच्चे के साथ हमेशा 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, एलिमिनेट स्ट्रेस। अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या किसी भी बच्चे को। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए स्ट्रेस अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें खूबी होती है कि वो आपके अंदर के स्ट्रेस को पहचान लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो उसे ये लगेगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैडम स्ट्रेस में है। वो और ऑटिज़म की तरफ होगा, वो और अपने अंदर खो जाएगा, गुमसुम हो जाएगा, उदास हो जाएगा कि मैं इसके लिए स्ट्रेस का कारण बन रहा हूँ। तो आपको हमेशा हैप्पी हैप्पी शो करना है, और हैप्पी हैप्पी शो करने के लिए एक आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूँ कि हमारा माइंड बहुत ही ट्रिकी है, हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में बिलीव करता है। अगर आप फेक स्माइल भी करते हैं, झूठी स्माइल भी करते हैं, तो भी हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, डोपामीन। अगर आप खुद को खुश होते हुए शीशे में देख लें तो भी आपका माइंड ये सोच लेता है कि हाँ आप खुश हो। तो इसलिए आप कभी स्ट्रेस में हो तो हैव ए स्माइल, ठीक है? और स्माइल इज़ कंटेजियस। अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ आप भी स्माइल करेंगे तो एक दूसरे के साथ आपकी स्माइल एक स्प्रेड कर जाती है, जबकि आपने उनसे कुछ नहीं कहा, जस्ट यू हैव मेक ए स्माइल, तो वो स्प्रेड कर जाती है, बिकॉज इट रिलीजेज इंस्टेंट डोपामीन। विजुअल लर्निंग, ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। प्ले थेरेपी, ऐसे बच्चों को ज़्यादा झूले झूलाएं, स्विंगिंग कराएं, स्लाइडिंग झूले झूलाएं, मड प्ले कराएं। व्हाट इज़ मड प्ले? हाँ, क्ले मॉडलिंग, क्ले से मॉडलिंग करने को हम प्ले थेरेपी बोलते हैं। या फिंगर पेंटिंग, ऐसे बच्चों को फिंगर पेंटिंग्स बहुत पसंद होती है, फुट प्रिंटिंग बहुत पसंद होती है, और साथ में अगर आप इनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था लेक्चर ऑटिज़म पर, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर पर, जिसमें हमने जाना कॉजेज, करेक्टरिस्टिक, माइलस्टोन्स टू हाउ टू डिस्कवर ऑटिज़म इन ए चाइल्ड, what are the basic treatments that are available, and what are the changes that have to be made in the school or the educational institution to help the child with autistic spectral disorder. Thank you very much.